तो चिल्फी की घाटियों से एक भयंकर शायरी अर्ज है कि गीली सड़क पे जूते पहनकर चलोगे, जूतों का चिन्ह तुम्हारी निशानी होगा, चट्टानों पे चलते चलो कहीं तो पानी होगा। व्लॉग पानी की तलाश रानी दरहा वाटरफॉल। तो मिशन चिल्फी, हम रानी दरहा वाटरफॉल में आ गए हैं। यहाँ सिर्फ एक चीज हमको चाहिए, पानी। पता नहीं है कि नहीं, देख रहा है कि उम्मीद है कि पानी है। तो हम लोग अब पानी ढूंढने जा रहे हैं। तो बोडला से और चिल्फी से कुछ 22 किलोमीटर की दूरी पे रानी दरहा वाटरफॉल है। अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, एक कुंड ऊपर है, एक कुंड नीचे है, और हमारा झुंड हमारे पीछे है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे एक्चुअली कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि इससे पहले हम लोग एक वाटरफॉल एक्सप्लोर करके आए हैं, कुछ 10-12 बाल्टा पानी मिला था उसमें। तो उम्मीद से दुगनी। तो यहाँ पे थोड़ा पानी बहता हुआ दिख रहा है, यहाँ भी उम्मीद है, कमी है, बट लेट्स सी। तो अगर पानी मिलेगा आप सबको सूचित किया जाएगा। ये बहता हुआ पानी है, संडे का दिन है, संडे यूजुअली सब नहाते हैं। ब्रश भी करते हैं। ब्रश भी करते हैं। प्रेम कर रहे थे आज। तो आज प्रेम ने 2 बार ब्रश किया है, ये जानकारी प्राप्त हुई है। एक बार तो रूटीन में कर ली, दूसरे बार अनजाने में कर ली। तो जब तक बड़ा नहीं मिलेगा हम इसी को वाटरफॉल मान के चलते हैं। तो रानी दरहा वाटरफॉल में एक और रैपिड और इंटरेस्टिंग, पेड़ की जड़ों ने किस तरीके से पत्थरों के बीच में अपनी जगह बनाई है, जैसे प्रेम पत्थरों के बीच से जगह बना के जाते हुए। यही है प्रेम, 2 बार ब्रश किया जिन्होंने। फाइनली वहाँ पे शाजी सर हैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमें वाटरफॉल मिल गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जड़ से निकलते ही कुछ दूर चलते ही वाटरफॉल है। तो हम उधर जा रहे हैं। एक छोटा सा कुंड है, इसमें मछलियाँ हैं, मुझे दिख रही हैं, अगर आपको भी दिखें देख लीजिए। फिर हम देखने वाले हैं वाटरफॉल। इंटरेस्टिंग रास्ता है, ट्रैकिंग का मजा लेते हुए अगर आपका पैर फिसला आप स्विमिंग का भी मजा ले सकते हैं। सो फाइनली हमको रानी दरहा वाटरफॉल मिल गया है और पानी भी मिल गया है। हाँ, और वो एक्चुअली रास्ता था, हमने पता नहीं क्यों ये वाला लिया, पर ठीक है। ट्रैकिंग करते हुए लोग भी आपको दिखाई देंगे। अब थोड़ा ऐसी खड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ूंगी मैं, ऐसी खड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ूंगी। नो, इट्स डेंजरस। इसके बाद निहल क्या करेंगे हम थोड़ी देर में बताएंगे। तो तकरीबन 500 मीटर की ट्रैकिंग कम वॉकिंग कम चट्टानिंग के बाद पानी मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत ही कूल लग रहा है अभी, अब लग रहा है तुरंत इसमें जाके और कूल करें अपने आप। उम्मीद से उतना नहीं है लेकिन ठीक है। जिसको पानी की सबसे ज्यादा तलाश थी, प्रेम जो तलाश है पीछे आ रहे भाई की। अच्छा, ये दूसरा पानी है। तो ये है वो कुंड जिसमें उतरेगा हमारा झुंड। देखिए वो हमारे झुंड के लोग हैं जो इस वक्त नहाने में मशगूल हैं। अगर आप और थोड़ा क्लोज चले जाएं तो आपको दिखाई देंगे ये, एंड देन वो वैली है जिस पे ट्रैकिंग करके हम आए हैं। एंड नाउ हिम्मत करके मैं चढ़ तो गया हूँ ऊपर जैसे तैसे। माय हार्ट इज़ आस्किंग बेटा उतरेगा कैसे, तो लेट्स ट्राई।